राम राम जी, सभी को अनियम ब्लॉग में स्वागत है आपका और आप सभी को हाथ जोड़कर हैप्पी गुग्गा नवमी। आज है गुग्गा नवमी का त्यौहार और देखो आज हमने क्या क्या बनाया है। आज हमने बनाई खीर, बनाई पूरी, बनाई और ये गोसे से आग बनाते हैं, अंगारी बना के तब पूजा करते गुग्गा नवमी की। आप भी बताना कमेंट करके कैसे करते हैं आपके इधर, यहाँ पे कैसे करते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही करते हैं जो मैं दिखा रही हूँ। ये देखो इसमें अंगारी पे बना के, और फिर ये देखो हम ले आए थे अपना सारा खाना ले आए थे, और जो ये पत्थर है ना इसके ऊपर हमने गुग्गा जी बना रखे हैं, ये घोड़ा बना रखा है उस पर आदमी गुग्गा जी बिठा रखे हैं, और फिर उनकी देसी घी की ज्योत जला के और भोग लगाते हैं। ये देखो ऐसे भोग लगाते हैं। ये भोग लगा दिया, सारी अपना बना के लेके आए थे और यहाँ पे हमने ज्योत जला के और ये जो वो आग बनाई थी ना आग पे भोग लगा दिया करके पूजा पाठ का सारा सामान रख के और उस गुग्गा जी का भोग लगा दिया। ये देखिए ये भोग लगाने के बाद सभी बोलते हैं, पैर छूते हैं और बड़े अच्छे से करते हैं। इधर करते मेरी ससुराल में तो ऐसे करते हैं, मेरे मायके में नहीं ऐसे नहीं करते। मेरे मायके में तो कुछ बना के और वहाँ जोगी के घर जाके देख के आते हैं, इधर यहाँ पे ये करते हैं। और मेरे मायके में वहाँ पे तो बड़ा अच्छा त्यौहार की तरह मनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना वहाँ जाते हैं बागड़ में जाते हैं जैसे गुग्गा पीर पे, और उधर वो गुग्गा पीर की छड़ी वगैरह भी होती है, और यहाँ पे तो ये चीनी बांट देते हैं सात घरों में। ये चीनी रखी जो दो दो चम्मच चीनी सात घरों में बांटते हैं हमारे यहाँ। और मैं एक दूसरी क्लिप दिखा रही हूँ, देखो वैसे होता है इधर हमारे गाँव की तरफ तो ऐसे होता है। ये देखो ऐसी छड़ी होती है, गुग्गा पीर की छड़ी है, इस पर सूट बांधते हैं, चुन्नी बांधते हैं, जो भी कुछ बांधते हैं, गेहूँ पैसे अनाज जो भी कुछ देते हैं वो दे देते हैं। ये दे रखा जैसे ये तो वैसे क्लिप आई हुई थी मैंने, वो लगाई है। और ये देखो ये ऐसे झाड़ा लगाते हैं फिर गुग्गा पीर का, ये देखो ये झाड़ा लगा रहे हैं। और ये लोहे की ये चाबुक बोलते हैं, हम इनको चाबुक से झाड़ा लगाते हैं यहाँ। इधर तो हमारे इधर मेरी ससुराल की तरफ तो कुछ नहीं है, ये उधर मेरे मायके की तरफ सारा सब कुछ होता है। ये देखते हैं हम और अच्छे से होता भी रहता है। ये देखो ये झाड़ा लगा रहे हैं और अच्छा लगता है, ये मेले की तरह होता है, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। ये देखो अब ये अपना पूजा पाठ करेंगी और पैर वैर छू के ये जो भी दान दक्षिणा है जो देना है ये इनको दे देंगी। आप भी कमेंट करके ये बताना कि आपके इधर भी कैसे होता है, ऐसे ही होता है या कैसे होता है। वैसे इसकी पूजा बड़े अच्छे से होती है और गुग्गा पीर भी बहुत अच्छे बहुत बड़े भगवान ही होते हैं, जो भी सच्चे मन से अगर इनकी पूजा करो और जो मांगे वो मिलता है, अच्छे से करते हैं सारा सब कुछ, बेड़ा पार करते हैं। और कमेंट करके बताना कैसे होते हैं, हमारे इधर तो ऐसे ही होती है पूजा। ये तो मेरे गाँव की तरफ होती है जो मैं पहले दिखा रही थी, ऐसे पूजा होती है वो होती है, मेरे इधर तो ऐसी पूजा होती है देखो। और बड़े अच्छे भजन गाते हैं ये, डेरू बजाते हैं, जैसे डेरू बोलते हैं उसको डेरू बजाते हैं, और जब पूजा करते हैं बोलो गुग्गा पीर जी की जय।